सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे अधीन हुई जिदे विच पंजाब दे हक विच पंजाबियों दे हक विच पंजाब दे नौजवानों दे हक विच अहम फैसले लए गए। क्योंकि कई कई सालों बाद जदों सरकारां बणदियां सी चार सालों बाद वो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दियां सी, साढ़े चार सालों बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दियां सी और किसी ना किसी बहाने वो भर्तियां जिहड़ियां सी वो पूरियां नहीं हुंदियां सी, अध बाटे दम तोड़ जांदियां सी। और पंजाब सरकार ने अज मानयोग सीएम साहब ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने फैसला किया, अज दी कैबिनेट ने फैसला किया कि पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट दे विच खास करके साडे नौजवान साडे जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस भर्ती होना चाहुंदे ने गे उन्होंने हरेक साल असी हरेक साल उन्होंने भर्ती पंजाब पुलिस करा करांगे और लगभग 1800 पोस्टां जिहड़ियां ने गियां वो कंस्टेबल दियां सिपाही दियां हरेक साल पंजाब दा नौजवान असी अज अनाउंस करदे आं कि 1800 पोस्टां हरेक साल पंजाब पुलिस के अंदर सिपाही दियां कॉन्स्टेबल दियां असी एडवरटाइजमेंट करा करांगे, उन्हां दी भर्ती प्रक्रिया उस साल च पूरी होया करूगी। इहदे नाल दी नाल सब इंस्पैक्टर दियां 300 पोस्टां हरेक साल एडवरटाइजमेंट होया करनगियां और जिहड़ियां ने वो उस साल के अंदर अंदर वो पूरियां होया करनगियां। इहदे लई असी एक शड्यूल जारी कीता गा कि हरेक साल सितंबर के महीने 15 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक फिजिकल टैसट होया करूगा ताकि साढ़े नौजवान जेडे के चाहे वह देश की फौज दे विच भर्ती होने की गल कर चाहे पंजाब पुलिस की भर्ती होने की गल उन्हां लई समा निर्धारित किया गया कि वह अपनी फिजिकल फिटनेस रख सकन और 15 सितंबर तो लैके 30 सितंबर तक हरेक साल पंजाब पुलिस का फिजिकल टैसट होया करूगा और हरेक साल पोस्टा 1800 पोस्टा जिहड़ियां नेगियां वह सिपाहियां दियां और 300 पोस्टा जिहड़ियां नेगियां वह सब इंस्पैक्टर दियां पंजाब पुलिस के अंदर एडवरटाइजमेंट होया करनगियां, इश्तहार जारी होया करूगा और वो एक साल के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होगी। असी कोई यह नहीं कि चार साल बाद भर्ती करांगे 3 सालों बाद भर्ती करांगे, साडा फैसला किया अज सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कि हरेक साल 1800 पोस्टा कंस्टेबल दियां और 300 पोस्टा सब इंस्पैक्टर दियां पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती होणगियां। और दूजा वड्डा फैसला पंजाब राज दे अंदर एनसीसी जिहड़ा नैशनल कैडेट कोर दे अंदर जिहड़ा अमला फैला सीगा उहदियां बहुत सारियां पोस्टां खाली पईयां सीगियां, अज उहनां विचों 203 पोस्टां नूं असीं भर्ती करन दा फैसला कीता गा तां कि असीं साडे बच्चे जिहड़े स्कूलां च हायर एजुकेशन दे अंदर पढ़ाई करदे नेगे वो अपने आप नूं फिट रख सकन और नैशनल कैडेट कोर का हिस्सा बन सकन, एनसीसी का हेड हिस्सा बन सकन। काफ़ी लंबे अरसे तो लगभग 5-6 सालों तो जड़ियां नेगियां ये नैशनल कैडेट कोर के अंदर जिहड़ा अमला फैला सी ना उहदी भर्ती हुई है और मैं समझदा बहुत सारे यूनिट पंजाब के अंदर बंद हो चुके सीगे। सो साडी जिहड़ी आ असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस विंग दे नाल जिहड़ा टाई अप किया और 203 पोस्टां इहदे नाल दी नाल इहदियां असी भर्ती प्रक्रिया नूं मंजूरी दित्ती आ। और तीजा वड्डा अहम फैसला पंजाब दे नौजवानों दे हक विच साडे उहनां बच्चियां दे हक विच जिहड़े लगातार अच्छे तरीके दे नाल पढ़ाई कर रहे नेगे, लगातार इम्तिहानां दी तैयारी कर रहे ने, लगातार जिहड़ा हैगा वह सरकारी नौकरी बचाउण दे लई अपनी पढ़ाई नूं जिहड़ा अगे रख सके ने, उहदे विच असीं 710 पोस्टां पटवारी दियां माल पटवारी दियां इस साल भर्ती करन दा फैसला किया गया। क्योंकि पंजाब दे अंदर बहुत सारियां जिहड़ियां पोस्टां सी वो खाली पईयां सीगियां, अज 710 पोस्टां जिहड़ियां खाली पईयां सीगियां उहनां नूं भरन की मंजूरी कैबिनेट ने जिहड़ी अज दित्ती हैगी। इहदे नाल दी नाल एक गैर संचाई
जिहड़ी नहरां दा पानी सीगा जिहड़ा इंडस्ट्रियल फीडर दे लई या गैर संजाई साधनां लई वरत्या जांदा सीगा उहदे विच भी सोध कीती आ। उहदे विच इक वड्डा मालिया सानूं आउण दी उम्मीद हैगी और लगभग मैं समझूंगा कि पंजाब दे अंदर 186 दे करीब जिहड़ा हैगा करोड़ रुपया उस मालिए तो आऊगा। 186 करोड़ रुपया इस तो आने की सानू उम्मीद हैगी और ये जेडे सैक्शन ड्रेनेज एक्ट के सैक्शन 36 के सोध की गई है 186 करोड़ रुपया जोड़ा सानू इस तो मालिया प्राप्त होगा। जोड़ा पानी साड़िया नहर का पानी सिंचाई तो बगैर किसी होर साधना वरत्या जाता गया और वो तो 186 करोड़ रुपये की जी पंजाब सरकार को कमाई होगी। इस ही क्रशर नीति दे जिहड़े जिहड़े ठेकेदार ने जिहड़े क्रशर चलाउंदे नेगे जिहड़े अपनी पंजाब की जिहड़ी किस्त जिहड़ी उन्हें देने सी पैसे देने सी भरन च उन्हां नूं भी असीं 6 महीने दा रिलीफ दित्ती है कि वह भी किस्तां दे राहीं अपना जिहड़ा बनदा रेवेन्यू आ वह पंजाब सरकार नूं भर सकदे ने। सो ये अहम फैसले अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन अज की कैबिनेट ने लेने गए। नहीं अज विधानसभा के सैशन लैके कोई चर्चा नहीं हुई। अज ये जे मैं तुम्हें दसे ने कि क्रशर नीति के जरा जी जमा कराने जमानत राशि है जी सिक्योरिटी डिपोजिट कराते हैं ठेकेदार वो असी ठेकेदार साहबान रिलीफ दी है। ये नाल जो गैर संचाई लिए नहर वरत्या जाता पानी आक्श जो अपना एक्ट आ 1878 एक्ट आ शोध की गई है और NCC दियां गतिविधियां नूं होर सुचारू ढंग नाल चलाउण दे लई 203 कर्मचारी भर्ती करन दी प्रक्रिया की 1800 कॉन्सटेबल 300 सब इंस्पैक्टर 710 माल पटवारियों नूं। नहीं जिहड़े इंडस्ट्री दे विच इह लग्गिया तां पहलां होइआ सीगा पर लेकिन हाई कोर्ट ने इहदे विच रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने सी एक्ट पास नहीं होया होइआ सीगा वो एक्ट दे पास ना होण दे कारण पिछली सरकार ने गलतियां कीतियां सीगियां उस सोध करके असीं 186 करोड़ रुपये का मालिया खेड़ा। यह जिहड़े गैर सिंचाई दे साथ जिहड़े सिंचाई नूं छड्ड के जिहड़ा खेतां नूं सिंचाई लई पाणी वरत्या जांदा उहनां नूं छड्ड के चाहे इंडस्ट्री दे खेतर ने जां होर खेतर ने उत्थे वसूल कीता। जिवें साहब लॉ एंड ऑर्डर नूं लै के काफी पंजाब च तुहाडे उंगलां उठ रहीआं तुहाडी सरकार ते कोई अंदर डिस्कशन होई जी कैबिनेट मीटिंग च की देखो अज दी जिहड़े अज दी कैबिनेट दे डिसीजन सी मैं तुहानूं दस दे देखो जिहड़ी कैबिनेट दे फैसले हुए ने मैं उहदे बारे तुहानूं ब्रीफ कीता होर किसे प्रकार दी कोई डिस्कशन नहीं। सर एक सवाल सर जीएसटी सर एक जीएसटी दी कलेक्शन